राधे राधे मित्रों, हनुमान जयंती को हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में बहुत हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी का विधिवत पूजन करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं हनुमान जयंती की पूजन सामग्री, पूजा विधि और कथा। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जयंती की पूजन सामग्री से। हनुमान जी की पूजा के लिए आपको जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वो कुछ इस प्रकार हैं। लाल कपड़ा या लंगोट जो आप हनुमान जी को वस्त्र के रूप में पहनाएंगे, जल कलश, कंकु, जनेऊ, गंगा जल, सिंदूर, चांदी या सोने का वर्क, लाल फूल और माला, इत्र, भुने चने और गुड़, बनारसी पान का बीड़ा, नारियल, केले, सरसों और चमेली का तेल, घी, तुलसी पत्र, दीपक, धूप और अगरबत्ती और कपूर। तो पूजन से पहले ये सारी सामग्री आप एक जगह एकत्रित कर लीजिए। हनुमान जयंती पूजा विधि। हनुमान जयंती के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। वस्त्र के विषय में ये ध्यान रखिए कि लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं और यदि किसी वजह से आपको लाल रंग के वस्त्र नहीं मिल पा रहे हैं तो उन परिस्थितियों में पीले रंग के कपड़े पहनकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ध्यान रखें काले या सफेद रंग के कपड़े पहन करके हनुमान जी का पूजन ना करें। इसके पश्चात पूजा घर में लाल रंग के आसन पर आपको बैठना है तो लाल रंग के आसन पर बैठिए और अपने सामने एक पटा रख करके उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। कपड़े के ऊपर लाल रंग के फूल पर हनुमान जी की मूर्ति को रखिए। मूर्ति स्थापना के बाद आप उनके पास एक घी का और एक सरसों के तेल का दिया जलाइए, साथ ही साथ अगरबत्ती और धूपबत्ती भी जलाइए। इसके बाद आपको हनुमान जी का आवाहन करना है तो हाथ में चावल और फूल लेकर के संकल्प कीजिए और हनुमान जी का ध्यान और आवाहन करें। इसके बाद सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके मूर्ति पर उस सिंदूर का आपको लेपन करना है। लेपन में इस बात का ध्यान रखिए कि लेप आपको पांव से शुरू करके सर तक लगाना है, यानी पैर से शुरुआत कीजिए लेपन की। सिंदूर के लेपन के बाद उन्हें चांदी या सोने का वर्क जो आपने रख रखा है उसे मूर्ति पर लगाएं। इसके पश्चात हनुमान जी को वस्त्र अर्पित कीजिए, यानी वस्त्र के रूप में लाल रंग का लंगोट उन्हें पहनाइए। हनुमान जी पर इत्र छिड़किए और उनके सर पर कंकु का टीका लगाइए। इसके बाद उन्हें पुष्प अर्पित कीजिए, यानी लाल गुलाब और माला हनुमान जी को चढ़ाइए। इसके बाद आपको नैवेद्य अर्पित करना है तो नैवेद्य में भुने चने और गुड़ का नैवेद्य सर्वश्रेष्ठ होता है, साथ ही साथ बूंदी के लड्डू भी आप नैवेद्य में रख सकते हैं। इसके पश्चात नैवेद्य में तुलसी पत्र रखें। सामान्यतया 11 तुलसी पत्र रखे जाते हैं और ये तुलसी पत्र हनुमान जी को बहुत प्रिय होते हैं, ये आपके जीवन में शुभता लेकर आते हैं। तो नैवेद्य पर 11 तुलसी पत्र रखिए और उसके बाद भगवान श्री हनुमान पर केले चढ़ाइए। इसके पश्चात मुख शुद्धि के लिए भगवान श्री हनुमान पर बनारसी पान का बीड़ा अर्पित करें और इस बात का ध्यान रखें कि इस पान में लौंग लगी हुई होनी चाहिए। इस पूरी क्रिया के बाद आप वहीं पर बैठकर के 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए या फिर सुंदरकांड का पाठ कीजिए या फिर हनुमान बाहु का पाठ आप वहां पे कर सकते हैं। पाठ करने के पश्चात हनुमान जी की आरती करें। आरती करने के पश्चात आपको क्षमा याचना करना है भगवान श्री हनुमान से कि यदि आपकी अज्ञानता के कारण पूजा में कुछ कमी रह गई हो तो उन गलतियों के लिए वे आपको क्षमा करें। इस प्रकार से भगवान श्री हनुमान का पूजन करने से निश्चय ही आपके जीवन में शुभता आएगी। हनुमान जयंती कथा।
हनुमान जयंती के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं, यद्यपि उनमें से एक कथा हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। इस कथा के अनुसार जब अग्निदेव से मिली हुई खीर को राजा दशरथ ने अपने तीनों रानियों को बांट दी, तो कैकेयी के हाथ में से एक चील ने झपट्टा मारकर कुछ खीर अपने मुंह में ले ली और वापस उड़ गई। चील जब उड़ती उड़ती देवी अंजना के आश्रम के ऊपर पहुंची तो अंजना ऊपर देख रही थी और अंजना का मुंह उस समय खुला हुआ था, जिससे खीर का थोड़ा भाग उनके मुंह में गिर गया और अनायास ही उन्होंने वह खीर खा ली। इस खीर के खाने के कारण उनके गर्भ से भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने जन्म लिया। चैत्र मास की पुण्यतिथि पूर्णिमा के मंगलवार के दिन जनेऊ धारण किए हुए भगवान श्री हनुमान का जन्म हुआ। तो यह थी हनुमान जयंती की पूजन सामग्री, पूजा विधि और कथा। नमो नारायण।